प्रेमी की शादी से मुकरने की बात पर एक लड़की के जहर खाने का मामला सामने आया है। घटना बरूड थाने के गांव बड़ी की है। लड़की ने शुक्रवार को ग्राम नंदगांव में जहर पिया था, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसका शनिवार जिला अस्पताल में पीएम कराया गया। पीएम के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। यहां लड़की के परिवार ने प्रेमी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस को की शिकायत में बताया कि उनकी बेटी का इच्छापुर निवासी राजेश जगदीश पाटीदार से पिछले 4 साल से संबंध था। शुक्रवार को जगदीश उनकी बेटी को साथ लेकर गांव से निकला था। शाम को सूचना मिली कि बेटी ने जहर पी लिया। मां ने आरोप लगाया कि उपचार के दौरान उनकी बेटी ने राजेश के शादी से मुकरने के कारण जहर पीने का बयान दिया है। राजेश पर उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाए। थाना पर प्रभारी सेमलिया ने बताया मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। लड़की से जब कल हमारे गांव के लोग आए थे, उनके हमारे रिश्तेदार, तो लड़की से बात हुई तो 4 साल से प्रेम प्रसंग था और 4 साल तक उन्होंने शारीरिक संबंध भी बना के रखे हैं। और जब कल उनकी शादी की बात आई तो मुकर गए। और वहाँ पर लड़की कहाँ की रहने वाली? बड़ी के नाले बरूड थाने के अंदर। ये इच्छापुर के थे, मतलब जाति मजदूरी करने गए थे पहले, मजदूरी करने जी। और जब कल उन्होंने घर लेने गया था और घर से लाया और बाद में उन्होंने आत्महत्या के लिए हो सकता है उसने उत्साहित किया हो। क्या लड़की बालिक थी? क्या पता उसने कुछ जानकारी में नहीं है। वैसे उसका आधार कार्ड देखने पे पता चलेगा कि बालिक है नाबालिग है। हमको सीधा सीधा ये नज़र आ रहा है कि मर्डर का केस है। इसलिए मर्डर का केस है क्योंकि ये जो लड़का है राजेश जगदीश पाटीदार, इच्छापुर का रहने वाला, वो उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग के रूप में 4 साल तक यौन शोषण किया है। और कल की तारीख में 31 दिसंबर 2021 में घर पे लेने गया शादी के बहाने, और घर ले जाके जातिवाद के रूप में उसको प्रताड़ित किया और शादी करने से मना कर दिया। और नंदगांव में उसकी गाड़ी पे बिठा के वापस ला रहा था वो, और रास्ते में हो सकता उसी ने दवाई पिलाई है, ज़बरदस्ती करके दवाई पिला दी है। या तो हो सकता है कि पहले कुछ कारणवश ने ज़बरदस्ती करके दवाई पिलाई और बाद में हॉस्पिटल में लाए, वो खुद हॉस्पिटल में भर्ती करके उसके बाद में यहाँ से हॉस्पिटल से भाग गया। और थाने के माध्यम से हमारे को सूचना मिली है कि हमारी लड़की ललिता श्रवण जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि उसके ऊपर मर्डर का केस भी हो और एट्रेसिटी एक्ट के तहत जो धारा लगनी चाहिए वो धारा भी लगे, और आत्महत्या के उकसाने के विरोध में जो धारा लगती है वो भी धारा है। और पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ईमानदारी और लगन से अपना काम करें और पीड़ित पक्ष का पूरा सहयोग करें। क्या नाम है आपका? दयाराम डाबर, बरूड थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ी। हाँ, ये बरूड ये बड़ी गांव की लड़की है जिसने नंदगांव में जाके पॉइजन पिया है और उसका अस्पताल लाए थे और अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। तो अभी पीएम चल रहा है, मर्ग कायम कर जांच में लिया जाएगा। परिवार का आरोप है कि लड़की को जहर पिला के यहाँ अस्पताल छोड़ के लड़का भाग गया। वो जांच का विषय है, जांच में जो आएगा वो कार्रवाई होगी। क्या नाम सर आपका? GSMLA थाना प्रभारी बरूड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।